सब्सक्राइब करें एस्ट्रो गुरुजी चैनल को और साइड में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नए अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री महाकाल मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं महाशिवरात्रि पावन पर्व की व्रत कथा, इसकी पूजा विधि और पूजन का शुभ मुहूर्त। तो इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, भगवान शिव का वरदान हमें मिलता है और इस व्रत का पूर्ण फल भी हमें व्रत कथा को सुनने से प्राप्त होता है। तो मित्रों, आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो 4 मार्च 2019 को महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व रहेगा। इस दिन भगवान शिव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। उनकी पूजा अर्चना करते समय उन्हें दूध जल आदि अर्पण करना चाहिए और विशेष करके भांग का भोग उनको लगाना चाहिए, बिलपत्र चढ़ाना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य आदि लगा करके उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के पश्चात उनकी कर्पूर से आरती उतारना चाहिए और आरती करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करना चाहिए। तो इस प्रकार करने से इस व्रत का फल व्रत करने वाले को मिलता है। तो इस दिन व्रत का जो शुभ मुहूर्त है इस प्रकार से है, 4 मार्च 2019 को शाम 4:28 से यह आरंभ हो जाएगा, पूरी रात्रि रहेगा। अगले दिन 5 मार्च 2019 को 7:07 तक यह रहेगा। तो इस समय में भगवान शिव का पूजन करने से अमोघ फल की प्राप्ति होगी और उनका वरदान हमें प्राप्त होगा। तो क्यों मनाया जाता है हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का यह पर्व? हमारे हिंदू पुराणों में कई शुभ योग इस दिन के दिए गए हैं। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि का अपना अलग ही महत्व है। कई ग्रंथों में इस प्रकार से दिया गया है कि इस दिन शिव का जन्मदिन होता है। इस दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वहीं कई ग्रंथों में इस प्रकार से दिया गया है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने महाशिवरात्रि के दिन ही शंकर का रुद्र रूप में अवतरण लिया था। इसके अलावा कई ग्रंथों में इस प्रकार से दिया गया है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो इन खास योगों के कारण इस दिन को महत्व दिया गया है, इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना गया है और इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो महाशिवरात्रि पर्व में पूजा की सामग्री और इसकी विधि भी आप जानें। अगर इस दिन आप मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो इसके लिए कई प्रकार की तैयारियां आपको करना होती है। जैसे शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए दूध व जल भी रखें, शहद रखें, शुद्ध घृत रखें। अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को वस्त्र आदि चढ़ावें, यज्ञोपवीत उनको धारण करावें और उनका अच्छे से श्रृंगार करें। बाद में धूप दीप नैवेद्य आदि लगावें, पान का बीड़ा उनको चढ़ावें और अनाज और फल भी उनको समर्पित करें। श्रीफल के साथ भेंट आदि चढ़ावें, कर्पूर जला करके उनकी आरती करें और आरती करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें और विशेष करके इस पंचाक्षरी महामंत्र का इस दिन जितना अधिक हो सके उच्चारण करें तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करने से शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाशिवरात्रि का क्या महत्व होता है? महाशिवरात्रि का दिन शिव भक्तों के लिए बड़ा ही खास महत्वपूर्ण होता है। इस दिन लोग भगवान शिव के नाम से यह व्रत धारण करते हैं। महिलाओं के लिए यह दिन काफ़ी खास होता है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से अविवाहित महिलाओं का विवाह शीघ्र संपन्न होता है और विवाहित महिलाएं अपने पति के सुखी जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए महाशिवरात्रि का यह व्रत रखती है। तो महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में क्या अंतर होता है? तो पूरे साल में 12 शिवरात्रियां आती है। इसमें से महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आने वाली शिवरात्रि को सिर्फ शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो कई लोग इसे बड़ी शिवरात्रि के नाम से पुकारते हैं। तो महाशिवरात्रि में 2 प्रकार की कथाएं प्रचलित है। तो ऐसी मान्यता के अनुसार शिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, लेकिन शिव जी की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें केतकी का पुष्प अर्पण नहीं करना चाहिए। शिव ने इस पुष्प का खुद ही परित्याग किया था। तो हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में वर्चस्व की लड़ाई हुई थी।
दोनों देव लड़ते लड़ते महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप इस बात का निर्णय करिए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। उनकी बात सुनकर के शिव ने उन्हें एक शिवलिंग देकर उनका आदि अंत का पता लगाने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि जो इस सवाल का जवाब देगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। उनकी बात सुनकर के भगवान विष्णु आसमान की तरफ चल दिए। ब्रह्मा जी धरती की तरफ बढ़े और विष्णु जब बहुत ऊपर पहुंच गए तो उन्हें शिवलिंग के आदि अंत का पता नहीं चला। वहीं ब्रह्मा जी भी इसका पता नहीं लगा सके। धरती से लौटते समय जब ब्रह्मा जी ने पलट करके देखा तो एक छोटा सा केतकी का फूल भी उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए तैयार कर लिया तो शिव जी के पास पहुँच करके ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने सारी बातें पता कर ली है और केतकी के फूल ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी है, उनसे कोई बात छिपी नहीं रहती है। शिव जी जान गए कि ब्रह्मा जी और केतकी का फूल दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। तब क्रोध में आकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का मस्तक काट दिया और केतकी के फूल को झूठ बोलने के कारण अपनी पूजा से वंचित कर दिया था। तो इस प्रकार से यह महाशिवरात्रि की पावन पर्व की व्रत कथा आती है। इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से भगवान शिव का वरदान मिलता है और इस दिन अधिक से अधिक भगवान शिव की स्तुति हमको करना चाहिए, उनके नाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जिससे भगवान शिव शीघ्र ही हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। मित्रों, फिर मिलेंगे।